चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी है। पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है और आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी आवंटित कर दिया। तो शरद पवार गुट ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि इसके पीछे अदृश्य शक्ति है। ऑर्डर देखे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया, वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। नहीं ऐसा अभी कहाँ विप का सवाल आता है, उन्होंने नया नाम मांगा है मतलब तो वही होगा ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसका कोई विप का। अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात की। हाँ बिल्कुल एविडेंस दिए थे वो तो, अभी इसका सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। हाँ वो कल दे देंगे, कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक तीन नाम और तीन सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। नहीं ये जिस ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बदला हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। और जिस तरह से आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का यूज इस सरकार में हो रहा है, देश है देश, कश्मीर टू कन्याकुमारी पार्टियां तोड़ी जाती है, फैमिलीज तोड़ी जाती है, तो आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से यह होता है। लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है इस देश में, तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे, हमारा पूरा विश्वास है हमको चीफ, क्योंकि सर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, उनका कहना है कि इलेक्टेड मेंबर्स एमएलए का स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन